subscribe, click on the bell icon, and stay tuned. तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ बाइकर किंगस्टन्स व्लॉग। और आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके, और इस वीडियो में मैं ये ग्लव्स का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूँगा। इसको मैं फ्लिपकार्ट से ख़रीदा हूँ और करीब एक हफ्ते हो गया मेरा इसको यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे अभी तक। और मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूँगा, इसका प्राइस क्या है और प्रोडक्ट कैसा है, स्टाइलिंग कैसा है, मटेरियल कैसा है, सेफ्टी कैसा है, ये सब के बारे में मैं बात करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग ये बॉक्स में तो नहीं आता, ये पाउच में आता है, और पाउच का जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। और इसको कुछ इस तरह से अनजिप करना पड़ता है यहाँ से, और ये खुल जाएगा यहाँ से। तो खुलते हैं, तो बीच में ये क्या प्रोटेक्टर पता नहीं क्या है इसको, तो ये रहा ग्लव्स, मैं पहन लेता हूँ इसको। तो ये रहा ग्लव्स, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है इसका जो मटेरियल, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। और यहाँ पे आपको नकल गर्ड्स, तो ये सब बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये ब्रांड के बारे में। ये सोयोको का है, जो कि एक चाइनीज़ ब्रांड है, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट वो लोग प्रोवाइड करते हैं, और बहुत बहुत सारा गुड क्वालिटी, बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल क्वालिटी का जो राइडिंग गियर्स है वो लोग मैन्युफैक्चर करता है, तो काफ़ी अच्छा है। और ये जो ग्लव्स है मैंने ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन ख़रीदा है, और इसको अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हैं आप। और इस ग्लव्स का ब्लैक और ब्लैक रेड, ये दोनों वेरिएंट मैं देखा हूँ अभी तक। और अगर दूसरा कोई कलर का हो है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। और मुझे रेड और ब्लैक लेना था, लेकिन रेड और ब्लैक का जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था, और मैं जो साइज़ यूज़ कर रहा हूँ वो है एल साइज़, क्योंकि मेरा हाथ काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ग्लव्स बहुत ही अच्छा है। इसके पहले मैं जो ग्लव्स यूज़ करता था वो है ये प्रो बाइकर। आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, कोई भी राइडर हो, ये ग्लव्स तो उसको पहनना ही होगा, क्योंकि ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बिकता है, बहुत ही सस्ता है। 350 390 में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, और लोकल मार्केट में तो और भी सस्ते में मिल सकता है आपको। तो इसको मैं यूज़ करता था, और इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है यहाँ पर, यहाँ का जो नकल गर्ड्स है और यहाँ का जो फिंगर गर्ड्स, अब लोग यहाँ पे प्लास्टिक का बना है, तो ये मुझे बहुत चीप सा फील होता है। लेकिन इसका जो ग्रिप है वो भी अच्छा नहीं है, इसका मटेरियल जो है वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर भी ये इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकता है, बहुत पॉपुलर ग्लव्स है, और मेरे पास पॉकेट मनी नहीं था, तो सस्ते में कोई ग्लव्स ढूंढ रहा था मैं, तो वो ये ख़रीद लिया मैंने। उसके बाद मैंने जो ग्लव्स ख़रीदा वो ये वाला ग्लव्स, दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और इस प्रो बाइकर के पहले मैं एक और सोयोको का ही ग्लव्स यूज़ करता था, जो कि चोरी हो गया था रास्ते से, मेरा रास्ते के ऊपर बाइक के ऊपर मैंने रखा था, और कोई लेके चला गया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने ये ख़रीदा, और
वो पहले वाला सुयोको का जो ग्लव्स था ये सेम नहीं था, दूसरा मॉडल का था। अब देखेंगे मुंबई का निखिल एक सुयोको का ही ग्लव्स पहनता है जो कि करीब 700 750 में मिल जाएगा आपको, लोकल स्टोर्स में और भी कम दाम में मिल जाएगा। तो मैं वो यूज़ करता था और उससे मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ सुयोको का प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो मेरे पास पैसा नहीं था वो दूसरी बार ख़रीदने के लिए, तो ये मैं प्रो बाइकर ख़रीदा और अभी थोड़ा सा पैसा जमा करके मैंने ये ख़रीदा। तो इसका जो प्राइस है आपको करीब 980-990 आप पकड़ लो 1000 में मिल जाएगा, और लोकल मार्केट में आपको जो स्टोर्स है वहाँ पे आपको 800-900 के नीचे 800 में मिल जाएगा। तो काफ़ी सस्ता है दूसरे ग्लव्स दूसरे राइडिंग गियर्स के मुकाबले। अब जाएंगे स्टोर्स पे जाके देखिए जो प्रोफेशनल राइडिंग गियर्स है बहुत ही ज़्यादा महंगा है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो प्राइस के हिसाब से इसमें जो स्टाइलिंग किया गया है वो बहुत ही अच्छा है, मैं फिर से पहनता हूँ इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टाइलिंग की। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा सा एक सुयोको का लोगो मिल जाएगा, और यहाँ पे जो आपका स्ट्रिप है वो भी बहुत ही प्रीमियम है, रबर का बना है, और यहाँ पे रेड दो स्क्रैच बहुत ही अच्छा लुक देता है। और इसका जो नकल गार्ड्स है वो कार्बन फाइबर जैसे लगता है लेकिन कार्बन फाइबर तो है नहीं, ये प्लास्टिक का ही बना है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको रबर का एक गार्ड मिल जाएगा। और मैं ख़रीदने के बाद थोड़ा कंफ्यूज था, ये जो रबर का ग्लव्स रबर का प्रोटेक्शन है, मैं सोच रहा था मैं अगर राइड करने के वक्त मैं हाथ को ऐसे घुमाऊंगा तो यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं जब बाइक के ऊपर बैठा और बाइक चलाया ट्रस्ट मी ऐसा कोई फील हुआ ही नहीं मुझे, और उल्टा बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, और हैंड फुल्ली फ्री मूव होता है, और ये शायद राइडिंग पोस्चर की वजह से ऐसा होता है। तो अगर कोई ख़रीदने के बाद कन्फ्यूज़ होता है कि ये अनकम्फर्टेबल है, भूल जाओ यार, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल चीज़ है। और दूसरा आते हैं मटेरियल के बारे में, यहाँ पे आपको जो गर्ड्स मिलता है या मेन जो नकल गर्ड्स है, नकल गर्ड आपको प्लास्टिक का मिलता है, और यहाँ पे आपको छोटा छोटा पैड मिलता है फिंगर पे जो कि रबर का, और बहुत ही हर्ड भी नहीं बहुत ही सॉफ्ट भी नहीं, एकदम जितना होना चाहिए उतना ही है। आप प्रो बाइकर में जो यहाँ पे जो ग्रब्स यहाँ पे जो प्रोटेक्टर मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, एकदम प्लास्टिक का बना है जो कि उल्टा आपके हाथ को डैमेज कर सकता है, आपको हर्ट कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा, ये एकदम सॉफ्ट भी नहीं हर्ड भी नहीं, एकदम बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे आपको हर एक फिंगर में दो दो मिल जाएगा, और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे दो रबर का पैड मिल जाता है, और ऊपर के ऊपर जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो मैश है, यानी कि आपको गर्मी में भी ये यूज़ कर सकते हैं और ठंडे में भी यूज़ कर सकते हैं। कल यानी कि संडे को मैं ये पहन के गया था सुबह करीब 7:30 बजे, और बाहर बहुत ही ठंडा हवा चल रहा था ट्रस्ट में, और बहुत ही ठंड था, और मुझे अभी तक सर्दी लग गया है और गले पूरा एकदम बैठ गया है मेरा, इसलिए शायद मेरा साउंड थोड़ा मेंढक के जैसे हो रहा है, तो इग्नोर दैट। तो कोई बात नहीं, ग्लव्स के नीचे आते हैं, यहाँ पे जो प्रोटेक्शन मिलता है वो कुछ दूसरे ही टाइप का है, यहाँ पे आपको स्टिच करके डबल प्रोटेक्शन, मतलब जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया हुआ है उसका ही यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मोटा है यहाँ पे, और नीचे की तरफ आपको कोई एक्स्ट्रा पैडिंग नहीं दिखने को मिलेगा जैसा कि प्रो बाइकर में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे प्लास्टिक है, और यहाँ पे जो रबर का या प्लास्टिक का क्या चीज़ है मुझे नहीं मालूम, ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोटेक्शन इससे तो अच्छा है, इसमें जो ग्रिप आपको फील होगा जो ग्रिप आप ले सकते हैं वो इसमें नहीं मिलता, और जो इसका जो कपड़ा है जो मटेरियल यूज़ किया गया है बहुत ही पतला है, और ये अगर आप क्रैश करेंगे कहीं जाके तो ये डेफिनेटली फटेगा ही फटेगा, ये भी फटेगा, लेकिन इसका जो मटेरियल है काफ़ी कपड़ा जो है काफ़ी मोटा है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बना है, और
यहाँ पे मैं स्ट्रैप्स की क्वालिटी के में बारे में भी बात करना चाहता हूँ, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको थंब में डबल प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है उसी का एक और कोटिंग, मतलब एक और लेयर आपको मिलता है। और नकल गार्ड्स के चारों तरफ एक रबर का बॉर्डर मिलता है जो कि बहुत ही हार्ड है, तो ये नकल गार्ड आसानी से फटेगा नहीं, मतलब आपको काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन दे सकता है। तो प्रोटेक्शन के मामले में ये मैं प्रो बाइकर का जो ये जो ग्लव्स आता है उसके कम नहीं बोलूँगा, ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा। इसमें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैड मिलता है जो कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसका माइनस पॉइंट है ये पैड जिस कपड़े के साथ जॉइंट है वो कपड़ा बहुत ही पतला है, तो ये पैड देने का कोई मतलब ही नहीं होता, ये फट जाएगा। तो ये जो मटेरियल है उतना जल्दी तो नहीं फटने वाला, इससे तो ज़्यादा दिन चलेगा ये। और तो दैट्स इट, प्रोटेक्शन में मैं 10 में से इसको 7.5 से 8 स्कोर दूंगा, क्योंकि ये नॉर्मल राइडिंग गियर्स है, आप इससे रेसिंग नहीं कर सकते। डेली कम्यूट के लिए बहुत ही अच्छा होगा और छोटे मोटे राइड्स के लिए भी ठीक ही है, और लुक्स में भी काफ़ी अच्छा है। और तो गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स पे बताइए आपको ये ग्लव्स कैसा लगा, आपको कौन सी चीज़ अच्छा लगा, कौन सी चीज़ बुरा लगा। अगर मैं कोई पॉइंट छूट गया मेरे से इस ग्लव्स के बारे में तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो कमेंट को देखूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा जितना जल्दी हो सके। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिस दोस्त को शायद नया ग्लव्स ख़रीदना है सस्ते में चाहिए तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ताकि दूसरों का हेल्प हो जाए और मेरा चैनल भी थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करे। मेरा चैनल नया है और बहुत ही छोटा सा चैनल है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आपको क्या क्या करना करने का मन है सब कीजिए। कोई ये जो मैं जो ग्लव्स रिव्यू किया ये मैं 1000 के यानी कि 1000 रुपये के सेगमेंट में देख रहा हूँ, तो 1000 रुपये में अगर इससे बेटर दूसरा कोई ऑप्शन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, बताइए दूसरों को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।